एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक प्रोडक्ट रिव्यू, वो है एक रोज वाटर का। इस वीडियो का एम एक्चुअली मेरा इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना नहीं है, उससे ज्यादा मैं ये चाहती हूं कि आप में से बहुत से लोग रोज वाटर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यूट्यूब देखते हैं, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज देखते हैं, तो आई एम श्योर आप रोज वाटर जरूर यूज करते होंगे। उसमें प्रॉब्लम एक ये है कि रोज वाटर जो बहुत ही फेमस ब्रांड्स भी हैं, जो आसानी से हर जगह मिलते हैं, वो प्योर नहीं है और उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, या फिर मैं कह सकती हूँ कुछ लेवल तक टॉक्सिक है, हार्मफुल है। इसीलिए अगर आप एक अच्छा प्योर रोज वाटर ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई टॉक्सिक केमिकल ना हो, प्योर हो, जो आपको ज्यादातर ज्यादा फायदे दे सके, तो आप इस रोज वाटर को खरीद सकते हैं। इसीलिए वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोज वाटर एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं बल्कि इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। वो एक एडिबल चीज है, यानी कि आप उसको खा सकते हैं, अपने फूड आइटम्स में ऐड कर सकते हैं। वो आपके शरीर के बढ़े हुए पित्त को कम करता है। समर में बहुत से लोगों को पित्त की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर जो ब्रांड्स यूजुअली हमारे आसपास बहुत ही आसानी से मिलते हैं वो एक्सटर्नल यूजेस के लिए ही है। इनफैक्ट उसके लिए भी मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं है। एक्सटर्नल यूजेस के लिए भी मैं पर्सनली उनको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हूँ, इंटरनल यूजेस की तो बात ही नहीं आती है। तो अगर आप एक प्योर रोज वाटर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है, अगर आपके आईज में कुछ बर्निंग सेंसेशन होती है, आप अपनी विजन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी आई हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखों में भी उसको स्प्रे कर सकते हैं, अपने आंखों के वॉश के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे के लिए, स्किन के लिए, आप सबको पता होगा कि रोज वाटर जो है वो बिल्कुल एक एलिक्सिर है, एक टॉनिक है। आप उससे अपनी स्किन को क्लींस कर सकते हैं, यानी कि वो आपके स्किन की गंदगी को, डर्ट को, ग्राइम को निकालता है। आपकी स्किन को वो टोन भी करता है। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्किन ऑयली रहती है या बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, किसी भी केस में रोज वाटर आपकी हेल्प कर सकता है। उसमें जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी स्किन को टोन करता है और वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। उसके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको निकालता नहीं है, इनफैक्ट उसको और हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है। जो रोज वाटर जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है गणपति हर्बल का रोज वाटर। ये एक 1 लीटर की बॉटल आती है जो मैं अमेजोन से खरीदती हूँ। ऐसी ऑलरेडी 2 या 3 बॉटल्स मैं खत्म कर चुकी हूँ और ये मेरी अभी प्रेजेंट जो बॉटल है वो चल रही है। ये क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल में आता है तो मेरे पास जो छोटी स्प्रे बॉटल होती है, जो मेरे पास पहले के रोज वाटर की काम आयुर्वेदिक की, मैं उसमें इसको ट्रांसफर करती हूँ और फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर खाली स्प्रे बॉटल्स भी आजकल मिलती हैं, बहुत ही आसानी से मेडिकल शॉप्स पे भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। मैं लिंक आपको इस प्रोडक्ट की और स्प्रे बॉटल की दे दूंगी, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 140 रुपीज, बट अमेजोन से मैं जब भी इसको खरीदती हूँ कुछ ना कुछ ऑफ रहता है आई गेस। और प्रॉब्लम बस इसके साथ ये है कि डिलीवरी जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, इस पे फ्री डिलीवरी नहीं रहती है। बट यस, फिर भी डिलीवरी चार्ज और जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मिलाकर भी अगर मैं टोटल करती हूँ तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, क्योंकि ये 1 लीटर की बॉटल है जो बहुत लंबे टाइम तक आपको जाती है, आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो है 24 महीने की, यानी कि 24 मंथ तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छी लाइफ है, इतने टाइम में आप इतना बॉटल आराम से खत्म कर सकते हैं। और ये गणपति हर्बल का जो रोज वाटर है ये खादी का ब्रांड है, ऐसा कह सकती हूँ मैं। इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं खादी द्वारा ये क्या बोलते हैं एडवर्टाइज किया जाता है। तो इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएमपी सर्टिफाइड 100% प्योर रोज वाटर। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें है सिर्फ अर्क ऑफ प्योर रोज फ्लावर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक एडिबल रोज वाटर है, यानी कि इसको आप अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं, इसको इंटरनली कंज्यूम भी कर सकते हैं और इसको आप अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अभी समर्स है तो इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इसका, बहुत से लोग समर्स में रोज वाटर काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक अच्छा सेफ प्योर रोज वाटर इस्तेमाल करिए, ताकि
आपको उसके बेनिफिट्स भी मिले और कोई टॉक्सिक केमिकल आपके शरीर में ना जाए। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये और एक रोज वाटर की बॉटल है जो बहुत ही फेमस ब्रांड है रोज वाटर का। मैं जब भी किसी को रोज वाटर के बारे में बताती हूँ तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बॉटल आती है। बहुत ही आसानी से ये ब्रांड अवेलेबल है, हर जगह आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं भी ब्रांड नहीं बताऊंगी आपको, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप समझ ही जाएंगे कि एक्चुअली इसके ऊपर का ऐसा बॉटल पूरा ये है। जब ये आया था उसी दिन ये मेरी बेटी के हाथ से गिर गया, या अभी से शायद 2-2.5 साल पहले की बात है, गिर गया और ये इसका जो नेक है यहाँ से ये टूट गया, बॉटल पूरा रोज वाटर जो है वो गिर गया और मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाई। वैसे मैं इसको इस्तेमाल करती भी नहीं इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। वैसे मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, अगर मैं इसको पर्सनली जाकर लेती तो मैं इसको खरीदती ही नहीं क्योंकि मैं हर चीज इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेती हूँ। बट क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था वहां पे लिखा था अल्कोहल फ्री, तो मुझे लगा इतना अच्छा ब्रांड है अल्कोहल फ्री भी लिखा हुआ है तो अच्छा ही होगा, ये सोच के मैंने मंगा लिया। इस पे लिखा हुआ है प्रीमियम रोज वाटर, इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊं 250 ml लगभग 75 rupees की आती है। अगर आप दोनों के प्राइस को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे प्रीमियम रोज वाटर इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीमियम रोज वाटर। बट इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स हैं एक्वा जो कि होता है पानी, उसके बाद फ्रेग्रेंस रूह गुलाब, इसके बाद इसमें रोज ऑयल जो कि अच्छी चीज है, इसके बाद है इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, फिनॉक्सी इथेनॉल, ट्राइथिलीन ग्लाइकॉल और सोडियम बेंजोइट। अब इन सब चीज को क्यों इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इस प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं चल रहा है, बट इतना जरूर बोल देती हूँ कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी भी नहीं है इनमें, बट यस बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। और रोज वाटर एक ऐसी चीज है जिसको इन सब इंग्रेडिएंट्स के बिना भी बनाया जा सकता है, जो कि इस ब्रांड ने नहीं किया है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है और अगर हाई क्वांटिटी में ये आपके स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी क्वांटिटी में एडेड होता है पर अगर आप जिंदगी भर इसको यूज कर रहे हैं इसी ब्रांड को, दिन में कई बार इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अमाउंट जो है वो एडअप होती है और एक बड़ी अमाउंट आपके शरीर में जाती है। सो यस, अगर आप एक प्योर रोज वाटर ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली गणपति हर्बल का, जो कि खादी का एक ब्रांड है, रोज वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, शॉप में शायद ये आपको नहीं मिलेगा, मैं इसको अमेजोन से ही मंगाती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। फ्रेग्रेंस बहुत ही बिल्कुल ऑब्वियसली रोज वाटर है तो रोज वाली खुशबू है, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ज्यादा हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर करिए के लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोस देख सकें। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।